ये लड़की एक छोटे से पाइप में छुपी होती है क्योंकि इसके नीचे एक भूखा शेर घूम रहा होता है। लेकिन अब इस पाइप से इस लड़की की पकड़ कमजोर होने लगी है। ये ज्यादा देर इस पाइप में छुपी नहीं रह सकती और तभी इस लड़की का पसीना नीचे गिर जाता है जिसकी गंध इस शेर को आ जाती है और तभी वह शेर उस पाइप में ऊपर की ओर देखने लगता है और इस शेर को ये लड़की दिख जाती है और तभी वह लड़की हिम्मत जुटाकर ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़ जाती है। वहाँ इस लड़की को इसका भाई मिलता है तो ये दोनों एक रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं और तभी वह शेर इनके रूम के बाहर आ जाता है तो ये लड़की बेड के चारों ओर परफ्यूम छिड़क कर अपने भाई के साथ बेड के नीचे छुप जाती है और तभी वह शेर रूम के अंदर आ जाता है। लेकिन परफ्यूम की महक के कारण शेर को इनकी गंध नहीं मिलती और थोड़ी देर बाद इन्हें शेर की आवाज आनी बंद हो जाती है।